मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया महिलाओं पर दिए बयान के कारण भाजपा के निशाने पर आ गए। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया और प्रवक्ता नेहा बग्गा ने उन्हें विवादित बयान के लिए आड़े हाथों लिया। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का बयान उनके लिए मुसीबत बन गया है। एक चुनावी सभा के दौरान भूरिया ने कहा था कि जिस व्यक्ति की दो पत्नियां हैं उसे 2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। उनके इस बयान ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया ने कहा कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अपने नेताओं को नसीहत दें कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। कांग्रेस के जिम्मेदार नेता आए दिन महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं। माया नरोलिया ने कहा कि भूरिया के अमर्यादित बयान का बदला पूरी मातृशक्ति मैदान में उतर कर लेगी। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृशक्ति मैदान में उतर कर देवी शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान की का बदला लेगी। और जीतू पटवारी जी ने भी पिछले दिनों माननीय इमरती देवी के खिलाफ जो अमर्यादित शब्द बोले थे उसका भी मातृशक्ति ने पुरजोर विरोध किया था। और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि एक महिला होकर आप अपने नेताओं को नसीहत दीजिए कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें। वही भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने भी भूरिया के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। नेहा ने कहा कि कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिलाओं में शासनी ढूंढ रहे हैं। वास्तव में जीतू पटवारी और कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं। जीतू पटवारी कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पर कांग्रेस का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो मानसिक शारीरिक शोषण का जो रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हम सब देखेंगे कि 4 जून को जो प्रदेश फ्रेम में 50% की आबादी है वो कांग्रेस को घर पर बैठाकर परिणाम के माध्यम से जवाब देगी। इस सबसे हटकर कांग्रेस नेता अब भी विवादास्पद बयान देने से पीछे नहीं हट रहे। अपने नेता के बिगड़े बोल पर पर्दा डालते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार का कहना है कि आदिवासी समाज में 2 विवाह की परंपरा है, यदि वे 2 विवाह करते हैं तो क्या उन्हें उनका हक नहीं दिया जाएगा। मिथुन अहिरवार ने भाजपा को आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा के नेता इस बात का जवाब दें, क्या आदिवासी समाज को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से आदिवासी विरोधी है। आदिवासी समुदाय में ये परंपरा है कि 1 से अधिक विवाह आदिवासी समाज के लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उससे भी बाहर होते हैं। तो क्या आदिवासी समाज का व्यक्ति 1 से अधिक विवाह कर लेगा तो भारतीय जनता पार्टी क्या उसको मिलने वाले अधिकार बंद कर देगी? इस बात का भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।